थैंक यू। सभी गुरुजनों को भगवान धन्वंतरी को प्रणाम करके मैं जो यहाँ डेस्क पे है, मेरे सीनियर लोग, मेरे दोस्त और मेरे मार्गदर्शक विक्रांत जी, सर देशमुख सर जी और मेरे बहुत करीबी दोस्त कुणाल जी, इनको मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। क्योंकि ये जो व्यासपीठ है और आज का जो सब्जेक्ट है, ये थोड़ा सा अलग है। और जो हेमस्टेट ने हमें इस तरह से मौका दिया है और कुछ जो औषधि हमें प्रदान की है, जिसके वजह से एक मिरेकुलस काम हम अभी समाज में कर पा रहे हैं, सोसाइटी में कर पा रहे हैं, उसके बारे में मुझे बोलने का ये मौका देना दिया है, उसके लिए मैं हेमस्टेट का भी धन्यवाद करता हूँ। तो अभी एक पेशेंट मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा कि ये जो केस है मेरे पास 2008 से आ रही थी। जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की, वो कोर्ट में बहुत बड़े पोस्ट पे थे। तो आप देख सकते हैं कि इतने भेरी सिम्टम्स थे उनके, कि रुद्रव लक्षण था, बैकएक था, हेडेक था, इतना स्ट्रेस रहता था कि रात भर सो नहीं पाते थे, गिडीनेस था और थोड़ा भी चलने पे सांस लग जाती थी। और इन सब चीज़ों में मैंने बताया कि निद्रानाश, बहुत तकलीफदायक निद्रानाश था, कि वो रात रात भर बैठे रहते थे। और 2008 में ये सब तकलीफें हो रही थी। उसके बाद मेरे पास अप्रोच हुआ, उसके बाद 2008 से लेके अभी 2021 चल रहा है, उन्होंने इतने डॉक्टर्स चेंज किए कि एक विंडो शॉपिंग कैसे रहती हैं, उस विंडो शॉपिंग के जैसे उनका सब चल रहा था। तो परसों रात को, यानी मेरे अभी केस आगे आएगी, तो 28th को मुझे फिर से अप्रोच हुए वो। तो उन्होंने बताया कि अप्रैल में मुझे कोविड हुआ, तो कोविड के बाद बहुत जगह एडमिट होना, सब चीज़ें होना, उससे बाहर आए एक महीने के बाद, फिर भी कुछ ना कुछ वीकनेस रहना, ये सब चीज़ें चल रही थी। और अभी जून में उनका वैक्सीनेशन हुआ। जून में वैक्सीनेशन होने के बाद उनको सेकंड डे को फीवर आया। फीवर आने के बाद मेडिसिन स्टार्ट हुआ, डोलो 650 और सब चीज़ें होने के बाद इतना अनइजी फीलिंग स्टार्ट हुआ कि वो घबरा गए कि मुझे अभी अटैक आएगा, तो मुझे एडमिट करो। फिर उनको हमारे यहाँ एक यूनिटी हॉस्पिटल है सासवड़ में, उधर एडमिट किया। उधर से लेके चिंतामणि हॉस्पिटल में एडमिट किया। उधर जाने के बाद उधर भी कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिर हड़पसर में नोबल हॉस्पिटल में लेके गए। उधर भी उनका डर जा नहीं रहा था, तो फिर मुंबई लेके गए। ऐसे कम से कम इस हफ्ते में उनके 8 या 10 हॉस्पिटल हो गए थे। फिर सब होने के बाद कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, फिर भी डर बढ़ रहा है, तो इतने टेस्ट किए गए। मेरे सामने अभी टेस्ट भी है, आप देखेंगे। उनके डिसीज हिस्ट्री में कॉन्स्टिपेशन है, हाइपर एसिडिटी है, प्रोस्टेक्टोमी हो की गई थी, कोविड मैंने बताया आपको। तो आप देखेंगे कि इतने प्रकार के चेकअप उनके हुए थे। हार्ट में खाली डायस्टोलिक डिसफंक्शन ही दिखा रहा था, बाकी ज्यादा कोई तकलीफ नहीं दिखा रही थी। फिर उनको एक साइकेट्रिक के पास लेके गए मुंबई में, बहुत बड़े नामवंत वो साइकेट्रिक थे। उन्होंने बताया कि ये पैनिक अटैक था। तो पैनिक अटैक ये क्या चीज़ है, ये उनको समझाने के लिए फिर बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया कि ये हार्ट अटैक नहीं, ये पैनिक अटैक है। तो ये केस किधर जा रही है, क्या डायग्नोस हो रहा है, ये किसी को समझ नहीं रहा था। तो मेरे पास आने के बाद पहले तो वो मेरे 10 साल से पेशेंट थे, मुझ पे विश्वास था, लेकिन ये कार्डियक प्रॉब्लम है तो आयुर्वेद के पास जाके कैसे फायदा होगा, कैसे होगा, तो ये सब थोड़ा सा डर था कि आयुर्वेद से होगा या नहीं। लेकिन उनकी जो एक बहन की बेटी थी वो US में है, और बात ऐसी थी कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया रात को 9:30 बजे, और वो फार्मासिस्ट थे। उन्होंने मुझे बताया कि सर प्लीज़ कि उनको बताइए कि आप एक जगह फर्म रहो ट्रीटमेंट में, ऐसे
विंडो शॉपिंग मत करो। ठीक है, फिर मैंने बताया कि मेरा उनको यही काउंसलिंग है कि वो जितना घूमेंगे उतना डर बढ़ता जाएगा। तो एक मराठी में हम बोलते हैं कि डॉक्टर का काम है आधार देना, अधीर करना नहीं। तो ये जो दो वर्ड्स में डिफरेंस है, अभी ज़्यादा करके डॉक्टर्स अधीर कर रहे हैं, आधार यानी सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। तो मैं देख रहा था वो आदमी मेरे सामने बैठ के कांप रहा था कि भी मेरा क्या होगा, मेरा परिवार है, उनके लिए मैं खड़ा रह पाऊंगा या नहीं। तो इसे सिचुएशन में आप क्या मेडिसिन दे पाओगे? जैसे उनका लंबर स्पॉन्डिलिसिस भी है, आप देखेंगे MRI भी हुआ है, प्रोस्टेट का भी प्रॉब्लम है, हार्ट का भी प्रॉब्लम दिखा रहा है, इतने प्रॉब्लम्स दिखा रहे हैं, इनडाइजेशन भी है, हाइपर एसिडिटी भी है, वात रक्त की तरफ केस जा रही है, मानसिक रोग की तरफ केस जा रही है। तो ये सिंपल प्लान मैंने उनके लिए डिजाइन किया 28 को कि रस राजेश्वर रस दूध पापेश्वर का मैंने स्टार्ट किया, ताप्यादि संशमणी वटी, ब्राह्मी वटी, अस्थि मज्जा पाचक, अमृत आदि को गुल, दात्री लोह, सुशेखर जो था सुवर्णयुक्त 7 दिन के लिए गोली, और वातारी नाम का सिरप आता है प्राणाचार्य का, वो मैंने ये कॉम्बिनेशन दिन में 2 बार स्टार्ट किया। उनको रात में कम से कम 3-4 बार यूरिन के लिए उठना पड़ता था, इसलिए मैंने डायबिटॉल एक सिमको कंपनी की टैबलेट आती थी वो, और कमर के लिए वायो पैच आता है वो एक्सटर्नली उनको यूज़ किया, और त्रैलोक के विजयावटी ये मैंने उनको रात को सोते समय दिया। तो ये होने के बाद मुझे उनका पहले फोन ये आया कि अभी मेरे जो मॉडर्न मेडिसिन चल रहे हैं, जो मेरे साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चल रही है, मेरे एसिक्लोफेनाक और समथिंग पुना के ऑर्थोपेडिक्स ने दिए हुए हैं, तो इनका क्या करें अभी? तो मैंने बताया कि आप कृपया आपकी जो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट है वो आप बंद कीजिए, लेकिन जो पेन किलर से वो पहले बंद कीजिए, क्योंकि वो लेने के बाद उनकी हाइपर एसिडिटी बढ़ जाती थी और फिर बाकी के तकलीफें, और रात में जगना और जलन होना, हार्ट बर्निंग होना, ये सब तकलीफें चल रही थी। सो मुझे पेन किलर बंद करना ये बहुत बड़ा समस्या था कि ये बंद करेंगे तो फिर आगे जाके तकलीफें और बढ़ेगी। लेकिन मैंने उस दिन वो उनको बताया कि आप करके देखिए, और सेकंड डे मुझे उनका फोन आया कि सर जी मैं सुबह 4 बजे तक पूरे अच्छी तरह से सो पाया। तो ये बहुत बड़ा मिराकल हो गया कि बाबा रात भर जगने वाला आदमी 4 बजे तक सो पाया। तो सेकंड डे मेरे पास आए, फिर उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया था, तो ठीक है हम आगे की कुछ चीज़ें करेंगे, ऐसे देखते हैं। तो फिर उनकी मैंने शिरोधारा की, नाभिपूरण, रुद्रबस्ति, नस्य, कर्णपूरण, जो हम 11 प्रकार के उपकर्म करते हैं वो किए। तो एक बार मेरी कॉन्फिडेंस क्या है, पेशेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ना अच्छी बात है, उनकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये चीज़ें करने के बाद फिर थर्ड डे को मेरे पास फॉलोअप के लिए आए, तो मैं 6 बजे तक आज सो पाया, जो रात भर 1 मिनट भी नहीं सो पाता था जून से लेके, तो वो अच्छी तरह से सोने लगा। और ऐसे नहीं कि उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट नहीं ली, उन्होंने एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स भी लिए, सब चीज़ें ली, फिर भी उनकी निद्रा ठीक नहीं है, बाकी के कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं। और पहली बात ऐसी है कि त्रैलोक की विजयावटी यूज़ करने से पहले मेरे पास जो पहले वो अप्रोच होते थे, यानी मैंने बोला 10 साल से मेरे पास वो ट्रीटमेंट के लिए आते थे, वो ऐसे ही अस्वस्थ रहते थे, हीन सत्व जो हम कहते हैं उस प्रकार से, हर चीज़ में शंका लेना और फिर नहीं इसके पास रिजल्ट नहीं आया तो मैं दूसरे पास जाऊँगा। तो ये सब करने के बाद मैंने हमारे यहाँ निद्रावटी आती है या बाकी बहुत सारे मैंने कॉम्बिनेशन जो कंपनीज के आते मैंने यूज़ करके देखे थे, लेकिन उनकी मन की शांति, बुद्धि की शांति किसी की नहीं हो रही थी। तो जब मैंने त्रैलोक की विजयावटी यूज़ की, आप बोलेंगे कि ये सब चीज़ें मैंने यूज़ की हैं कि रस राजेश्वर है, ताप्यादि है, ये सब चीज़ें हैं, डायबिटॉल है, तो सच में रिजल्ट किसका है? लेकिन पहले ये चीज़ें मैंने यूज़ की थी, फिर भी उनको ये रिजल्ट नहीं मिल रहा था। जब मैंने त्रैलोक की विजय खाली उसमें ऐड की, तो उसके बाद पहली बात हुई कि मन उनका शांत हो गया। आज ये सुबह मैं इधर आने वाला था तो सुबह फ़ोन आया, सर मैं आज फिर से शिरोधारा के लिए आ सकता हूँ, आई एम फीलिंग बेटर। तो मैंने बोला मेरा आज लेक्चर है तो आप कल आ सकते हैं। तो सुबह भी मैंने फिर से फॉलोअप लिया उनका कि आज मैं आपके केस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आपके कुछ और डिटेल्स लगेंगे। तो मैंने आज सुबह भी उनसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। तो उनका मैंने आहार विहार चेंज किया, रात का खाना जल्दी किया, उनकी वाइफ
और मैंने जो बताया उनकी भाई की जो बेटी थी उसका भी मुझे फिर से यूएस से फ़ोन आया, शी इज़ ऑल्सो हैप्पी कि सर वो अभी किसी भी डॉक्टर के पास इस 4 दिनों में नहीं गए हुए, तो दिस इज मिरेकुलस। सो आप देखेंगे कि एक 4 ही दिनों में जो सब कंप्लेंट्स थे, बहुत बड़ी लिस्ट थी, उसमें नो अनइजीनेस इन कार्डियक एरिया जिसको हम रुद्रव कहते हैं, रसक्षय का जो लक्षण है वो, उसके बाद पेन जो था, सिवियर पेन जो था विदाउट एनी पेन किलर, लो बैकेक क्योंकि लंबर स्पॉन्डिलिसिस सिवियरली था वो भी कम हो गया, स्ट्रेस लेवल थी वो भी कम हो गई थी, और जो उनका कोर्ट में काम था वो बहुत स्ट्रेसफुल था, उधर भी वो आनंद से कर रहे थे सब काम, और सबसे इम्पोर्टेंट थी जो को बेटर स्लीप है वो उनकी ठीक हुई। तो ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है, और इंसोम्निया के लिए कितनी चीज़ें की जाती है समाज में अभी, ये मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं, अभी इतने सब सीनियर डॉक्टर्स हैं, तो अगर ऐसे कुछ मिरेकल हमारे हाथ में आता है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर औषधि आपके हाथ में अच्छी नहीं है तो आप आगे नहीं जा सकते। मैं कितना भी अच्छा काउंसलिंग करूंगा लेकिन रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो 4 दिन के बाद हमें प्रेम से गालियाँ ही देने वाले हैं। तो मैं सच में हृदय से हेमस्ट्रीट टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि अभी हमें किधर से छुपा छुपा के पुड़िया लेने नहीं पड़ रही है। मेरी खुद की माँ जिनको सीवियर बैकिंग स्टार्ट हुआ और मुझे फ़ोन आया, वो अलग फ्लैट में रहती है, मुझे फ़ोन आया कि दादा मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है तुम कुछ करो, उठ ही नहीं पा रही थी, बहुत रो रही थी। तो मैं दोपहर गया फ्लैट पे, देखा माँ को तो वो सच में रो रही थी। तो मैंने अभी मेरे 13 ईयर्स के प्रैक्टिस में इंजेक्टेबल देना ये प्रकार कभी नहीं किया, लेकिन माँ की इतनी कंडीशन देखे मैं सोच रहा था अभी क्या करे क्या करे, किसी ऑर्थोपेडिक के पास लेके जाए क्या करे, क्योंकि उसकी हिस्ट्री ऐसी थी कि आपको जगन्नाथपुरी रथ यात्रा मालूम होगी, तो जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में हम साइड में भगवान जगन्नाथ जी के रथ से जा रहे थे, और उस वक्त जो दौर रहता है खींचने वाला दौर, वो डायरेक्टली हमारे तरफ लोगों ने खींच लिया और माँ के साड़ी पे पैर गिर गए लोगों के, और वो नीचे गिर गए, उस पर कम से कम 40-50 लोग गिर गए, वो दब गई नीचे और हम साइड में गिर गए। तो उधर मिलिट्री आ गई और हार्डली कुछ सेकंड में उस इंसिडेंट से उसको बाहर निकाला, अगर कुछ सेकंड एक्स्ट्रा हो जाते तो वो नहीं रह पाती थी। और उस वक्त उसको उठाया, साइड में बिठाया, और वो चल ही नहीं पा रही थी, सांस नहीं ले पा रही थी, तो उसको वैसे कैसे उठा के हम हॉस्पिटल लेके गए। तो उधर एक्सरे किया तो पता चला कि लेफ्ट साइड के रिब जो थे हार्ट के नीचे के, वो 4 रिब फ्रैक्चर हो गए। सो बहुत सीवियर पेन था। तो उस वक्त मैं बाय फ्लाइट उसको फिर पुणे में लेके आए, सब चीज़ें हुई, 4 महीने उनको रेस्ट लेना पड़ा। तो अभी ये चीज़ें होने के बाद मैं घबरा गया कि ये उसका तो संबंध नहीं है, ये मैं पुरानी बात बता रहा हूँ, तो उसका कुछ सीवियर पेन तो इसको नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो मैंने उसको उस वक्त उस दिन त्रैलोक की विजयावटी दी, क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें हमारे लिए नई थी, डायरेक्टली ये चीज़ें यूज़ करना वो भी माँ के लिए। तो मेरा एक हमेशा सेंटेंस रहता है कि जो चीज़ हम हमारे घर में यूज़ कर सकते हैं तो वही हमें बाहर देना है, मैं मेरी बच्ची को जो यूज़ करूँगा वही पेशेंट को देना है, नहीं तो हम पेशेंट के लिए अलग मेडिसिन यूज़ करते हैं और घर के लिए अलग मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो सुबह मुझे माँ का तुरंत फ़ोन आया, सुबह 7:30-8 बजे शायद उठने के बाद, दादा मेरा पेन कम हो गया है, थैंक यू। तो ये एक मिराकल मैंने देखा। उसके बाद उसी हफ्ते में मेरा एक स्टाफ था, मैंने अनिरुद्ध जी से भी ये डिस्कस की और कोहली मैडम से भी ये केस डिस्कस की कि दोपहर मैं एक पेशेंट चेक कर रहा था और ज़ोर ज़ोर से रोने का आवाज़ आना स्टार्ट हुआ, तो मैं बाहर भागते गया कि क्या हुआ, तो मेरे एक स्टाफ मेंबर थी वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और उसके साथ हमारे जो बाकी के स्टाफ थे उसको देख के रो रहे थे। तो ये क्या हुआ भाई, क्या हुआ, सब क्यों रो रहे हैं, सब मिलके रो रहे हैं। तो मैंने पूछा कि उसका रोना देख के हम रो रहे कि इतना सीवियर पेन हो रहा है, तो क्या हुआ, तो उसकी हिस्ट्री थी किडनी स्टोन की। तो रात को ही वो इंजेक्टेबल लेके आई थी, इंजेक्टेबल डाइक्लोफेनेक का या वोवेरन का, फिर भी पेन कम नहीं हो रहा था और दोपहर से फिर से अटैक पीरियड स्टार्ट हुआ। तो मैंने सोचा ठीक है अभी त्रैलोक की विजय देखे तो देखते, 2 ही दिन पहले माँ को रिजल्ट मिला है। तो देने के बाद मैं अंदर पेशेंट चेक करने चला गया और 10 मिनट के बाद आके देखा तो सब हंस रहे थे मिलके। आई शॉक, ये 10 मिनट में कैसे हो सकता है, और ये मैं कुछ ऐसे
अब हेमस्टीड के आज लेक्चर में हैं और सब लोग बैठे हुए हैं हेमस्टीड के, उन्होंने आयोजित किया, उनके सामने बोलने ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक 10 मिनट में वो हंसने लगी थी। अभी कौन सा भी किडनी स्टोन का पेशेंट हमारे पास आता है तो जैसे हम कुछ पहले जाति फलादी चून की पुड़िया बांध के देते थे, तो अभी हम त्रैलोक की विजयावटी देते हैं कि बाबा ये 4 टैबलेट घर में रखो और जब सीवियर पेन हो तो आप ये यूज कर सकते। ये कॉन्फिडेंस मुझे उस वक्त आया। तो ऐसे उसके बाद इतने केसेस आना स्टार्ट हुआ कि, और कॉन्फिडेंस बढ़ने की वजह से हर एक पेशेंट में हमने अभी प्रिकॉशनरी त्रैलोक की विजयावटी घर में रखो ऐसे स्टार्ट किया। तो हमारे यहाँ ऑर्थोपेडिक के भी पेशेंट बहुत सारे आते हैं जो उठा के लाए जाते हैं, जिनको फुट ड्रॉप है या किसी को बल्जेस हैं और ऑपरेटिव बताया नोबल हॉस्पिटल दीनानाथ के या हार्डिकर हॉस्पिटल से मेरे पास। मेरी स्पेशलिटी जो है वो ऑर्थोपेडिक में है। तो उसके बाद इतने पेशेंट ऑर्थोपेडिक के हमें रहता था कि ये यूज करके देखो, ये यूज करके देखो। बीच में एक बाबा नाम की एक कंपनी थी, उन्होंने एक टैबलेट फॉर्म की थी, अगर विक्रांत जी को मालूम होगा कि उनकी जॉइंट पेन में बहुत फेमस थी वो टैबलेट। तो बाद में पता चला कि कुछ लोग बड़े उसमें स्टेरॉइड्स डाले हुए हैं मे बी, तो हमने तुरंत बंद कर दी। तो इतनी मात्रा में हम यूज करते थे वो हमें बंद करनी पड़ी क्योंकि मे बी ऐसे हम नहीं कर सकते। तो हमारा एक हाथ कट गया ऐसे लगने लगा कि बाबा सबसे ज्यादा पेन किलिंग ये जो सब्जेक्ट रहता है, आप शहर में प्रैक्टिस करना, सिटी में प्रैक्टिस करना, रूरल एरिया में प्रैक्टिस करना बहुत अलग बात है। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट की मेरी प्रैक्टिस तो कोई भी पेशेंट मेरे पास आता था और ट्रीटमेंट लेके घर जाता तो घर से मुझे फोन आता था कि डॉक्टर आपने इंजेक्शन नहीं दिया, पहले इंजेक्शन दो फिर मेडिसिन दो। तो हर पेशेंट में इंजेक्टेबल देना कंपलसरी था उस एरिया में, गांव में। मैंने बोला मैं इंजेक्टेबल देता ही नहीं हूँ, तो फिर रिजल्ट नहीं मिलेंगे सर, ऐसे कैसे हो सकता है। तो पहले ऐसे कहते कि पहले इंजेक्शन दो मैं फिर बताता हूँ क्या हुआ है, ऐसे उधर है। तो उस एरिया में हम अगर पेन नहीं कम कर पा रहे तो पेशेंट आपके पास रुकेंगे नहीं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा फॉर्मुलेशन चाहिए रहता था। तो उस एरिया में अगर मैं अभी एस्टेब्लिश हूँ 13 साल से, इतने 14 कंट्रीज से मेरे पास पेशेंट आते हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि ये कुछ ना कुछ ऐसे मेरे पास ड्रग मिले हैं जो ये काम कर रहे हैं। उसमें अगर ये त्रैलोक के मुझे मिल रहा है तो डेफिनेटली आयुर्वेद बढ़ाने में ये बहुत सपोर्ट करेगा। और आप देख सकते हैं कि अभी जितने भी मेरे पास पेशेंट आते हैं वो इतने देशों से आते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, एक एमेंडा नाम की लड़की है, वो अभी ब्राज़ील में डॉक्टरेट कर रही थी बर्ड्स पे। तो उसका इंटरेस्ट फॉर्म हुआ क्योंकि कुछ टीचर थे वो मेरे पास पढ़ने के लिए आए थे ब्राज़ील से, तो उन्होंने बताया कि आप उधर जाके पढ़ो रादर देन गोइंग टू द साउथ और गुजरात, आपको 1-to-1 जो टीचिंग रहता है गुरुकुल स्टाइल में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो वो आने के बाद उसको मेंस्ट्रुअल पेन यानी एट द टाइम ऑफ मेंसेस सीवियर पेन रहता था। तो ऐसे ही केसेस में जब उनको मैंने त्रैलोक की और ये सब चीज़ें यूज़ की तो उनको ये सब मिराक्लस लगा कि सर मेप्टाइल्स पैज विदाउट मैंने यूज़ ना करते हुए भी हमारे पेन कम हो सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। तो जितने भी अभी मेरे पास कष्टार्थ हो अनार्थ हो इसके केसेस हैं उसको भी हमें बहुत सारे ड्रग यूज़ करने पड़ते थे और बहुत सारे सिरप यूज़ करने पड़ते थे, फिर भी रिजल्ट नहीं मिलते थे। लेकिन थैंक गॉड हमारे पास अभी ये सब चीज़ें हैं। तो बहुत डिफिकल्ट केसेस में भी ये हमें अभी रिजल्ट मिल रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच मुझे आज चांस दिया। और फिर से मैं कोहली मैम, कुणाल जी और हेमस्टीड टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया। मैं धन्वंतरी भगवान से भी प्रार्थना करूँगा कि इस सब कोविड के पीरियड में भी हम सब इस तरह से लड़ रहे हैं और जिंदा है सब, और भगवान की कृपा से हजारों लाखों लोगों का जान बचा पा रहे हैं। और इस समय में भी जो न्यूरोक स्ट्रीट की भी टीम है मेरे इतने प्रॉब्लम्स होके भी सब चीज़ें वो देख रहे हैं कि बहुत प्रॉब्लम्स है मेरे लाइफ में भी, उस वक्त भी न्यूरोक स्ट्रीट टीम ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया। तो थैंक्स वंस अगेन।